हे पोकेमोन ट्रेनर्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो स्वागत है पोकेमोन शोडाउन संडे के एक और न्यू एपिसोड में, जहाँ पे मुझे आज चाहिए दो ऐसे पोकेमोन जो कि जानी दुश्मन है, एक दूसरे को एक आँख तक नहीं पाते हैं और खून के प्यासे हैं। ऐसे कौन से पोकेमोन है जरा मुझे बताइए रोटोम जी। तो ऐसे पोकेमोन है मैजिकअप और फीबस पोकेमोन। ये दोनों पोकेमोन जानी दुश्मन है। तू रहने दे भाई, हमें माफ करो, गुजारिश है आपसे। तो दोस्तों, वो दो पोकेमोन है कायोगर एंड ग्राउडन पोकेमोन। दोनों पोकेमोन वेडर ट्रायोज के मेंबर है, प्राइमल फॉर्म है और हमेशा टॉप 5 में आते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए आज बैटल करना काफ़ी जरूरी हो गया है, बिकॉज ये फाइट फाइट करते रहते हैं। इतनी हमको तारीख पे तारीख नहीं मिलती है जितनी ये फाइट पे फाइट करते हैं। तो दया, आज तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट है। इसके लिए पता लगाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। पॉइंट्स जैसे कि पावर लेवल, एबिलिटी, मूव सेट, बेस्ट स्टेट, वीकनेस, पॉपुलरिटी, इन सब के बेसिस पर आज हम लोग पता लगा के ही रहेंगे आखिरकार कौन है रियल किंग, कौन है रियल पावर वाला पोकेमोन। भाई साहब, कतई मजा आने वाला है। तो यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने भाई के लिए लाइक नहीं कर सकते? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्यों नहीं चाहिए? तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना रिकॉर्डर को पता लगाए। अगर रिकॉर्डर को पता चल गया तो ये वीडियो बंद करा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पावर लेवल। यस दोस्तों, देखते हैं इन लोगों के पास कौन कौन सी पावर है। सबसे पहले जो पोकेमोन आता है वो है डायनासोर पोकेमोन ग्राउडोन। ग्राउडोन पोकेमोन एक कॉन्टिनेंट पोकेमोन है, एक जमीन वाला पोकेमोन है, यानी कि पूरी जमीन को ये कंट्रोल कर सकता है, ये जमीन को एक्सपांड कर सकता है, ये वोल्केनो को इरप्ट कर सकता है, यानी कि हर एक वोल्केनो को ये कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जो भी वोल्केनो है उसको ये ब्लास्ट कर सकता है और पानी तक में ये लावा ला सकता है। तो इसका पावर लेवल काफी है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो टाइपिंग है वो है ग्राउंड एंड वाटर टाइप प्राइमल फॉर्म में। तो दोस्तों, आप लोग ही बताओ, अगर इसकी टाइपिंग ग्राउंड एंड वाटर टाइप है तो भाई साहब, वाटर टाइप पोकेमोन से ये दो गुना ज्यादा वीकनेस में रहेगा। यानी कि दोस्तों, आप मुझे बताओ, अगर ग्राउंड टाइप पोकेमोन के ऊपर आप वाटर टाइप के अटैक करोगे तो वो वीक होगा, और फायर टाइप के ऊपर भी आप वाटर टाइप के अटैक करोगे तो वो भी वीक होगा। अरे भाई, तो फायर एंड ग्राउंड टाइप दोनों है, तो भाई साहब, वाटर टाइप पोकेमोन से इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और कायोगर जो पोकेमोन है पूरा वाटर टाइप पोकेमोन है, तो इसको कुछ तो करने होगा। इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी मदद से वाटर टाइप अटैक इसके ऊपर कुछ असर ही ना करे। यस, ऐसी एबिलिटी इसके पास मौजूद है। यस, इसके पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपने आसपास के वेदर को, अरे वेदर ट्रायो है तो वेदर को चेंज करेगा, यानी कि ये अपने आसपास के वेदर को इस प्रकार से चेंज कर देता है कि कोई भी वाटर टाइप पोकेमोन अटैक जो होना इसके ऊपर असर ही नहीं करेगा। चाहे वो हाइड्रोपंप हो, ओरिजिन प्लस अटैक हो, जितने भी पावरफुल वाटर टाइप अटैक है इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो भाई साहब, ये एक अल्टीमेट पोकेमोन बन ही जाता है। ऊपर से इसका प्राइमल फॉर्म में आते ही ये काफी ज्यादा डायनासोर, गुस्सेल डायनासोर बिल्कुल हल्क बन जाता है। तो भाई साहब, इसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। अगर यह रिकॉर्डर ना आए तो भाई साहब, ग्राउडोन जो है तभी पे तभी मजादार रहेगा, और ऊपर से इसको कायोगर देखने को मिल जाए तो भाई साहब, उसकी हालत खराब कर देगा। बट कायोगर कोई छोटा बनाना मुन्ना बच्चा थोड़ी है, वो भी काफी पावरफुल है, उसकी पावर भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों, कायोगर जो पोकेमोन है प्योर वाटर टाइप पोकेमोन है, यानी इसकी वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप, और या ग्राउडोन जो पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कर ही नहीं सकता है। बट दोस्तों, यहाँ पे इसके पास है एक ऐसा पावरफुल अटैक ओरिजिन प्लस, जिसकी मदद से ये अच्छे अच्छे पोकेमोन को नानी याद दिला देता है। यस, कायोगर पोकेमोन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर इसके पास ब्लू ऑर्ब पोकेबॉल, जो भी ब्लू ऑर्ब है इसके पास आ जाए और ट्रांसफॉर्म हो जाए अपने सबसे खतरनाक फॉर्म प्राइमल कायोगर में, तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊं, इतना डेंजरस पोकेमोन बन जाता है कि पूछो मत, ये पूरी दुनिया को पानी में डुबा सकता है। बिकॉज ये पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के पानी को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो बवंडर, तूफान, कुछ भी ला सकता है, यहाँ तक कि पानी का साइक्लोन भी ला सकता है, सुनामी ला सकता है। भाई साहब, इतना खतरनाक पोकेमोन अगर कोई बैड ट्रेनर केस कर ले तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कायोगर की पावर के बारे में, तो इसकी यही पावर है कि समुद्र की गहराई में जाकर ये तूफान ला सकता है। अगर भाई साहब सारे वाटर टाइप पोकेमोन इसके चंगुल में आ जाए तो भाई साहब, इसके चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। तुम कह सकते हैं कि भाई साहब, प्राइमल फॉर्म काफी पावरफुल है, इसके पास भी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण यार ये वेदर को चेंज कर सकता है। वाटर टाइप अटैक इसके काफी पावरफुल हो जाएंगे अगर ये अपने वेदर
शरीर को आसपास को चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये तो हो गई पावर के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं फाइट होगी तो क्या होगा। पहली फाइट करते हैं नॉर्मल बैटल के बीच, जिसमें ग्राउडोन वर्सेस काइगर का बैटल होगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों के बीच में बैटल होगा तो यह हमने देखा है बैटल काफी धमाकेदार होता है। होविन रीजन में देखा था, हमने केलोस में भी देखा था, और सन एंड मून में भी मैंने साइड से काइगर को देखा था। तो हर बार हमने इनकी पावर को देखा ही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर इनके नॉर्मल फॉर्म में बैटल होगा, दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वाटर टाइप वाला काइगर जो है जीत जाएगा। बिकॉज यार ग्राउडन जो पोकेमोन है वो वाटर टाइप से काफी वीक हो जाएगा। अगर मुकाबला जो है जमीन पे होगा तो ग्राउडन के जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, बट अगर जो मुकाबला है अपन के पानी में होगा तो भाई काइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट हम सबको पता है ग्राउडन जो पोकेमोन है जमीन को एक्सपांड कर सकता है, अगर वो पानी में जाएगा तो अपने नीचे वो जमीन को ले लेगा। तो इसी की वजह से इसको वीकनेस नहीं होगी, बट मुकाबला काफी धमाकेदार होगा। नॉर्मल फॉर्म में मेरे हिसाब से काइगर ही जीतेगा, काइगर बेस्ट रहेगा नॉर्मल फॉर्म में। बट यार मुकाबला जो है तकदीर जो है एक वक्त में पलट जाती है, और ऐसे ही होगा अगर मुकाबला होगा प्राइमल फॉर्म में तो बुरी तरीके से हार जाएगा काइगर, और बहुत आसानी से आराम से एक सेकंड में जीत जाएगा ग्राउडन पोकेमोन। बिकॉज दोस्तों ग्राउडन जो पोकेमोन है अपने आसपास का मौसम ही चेंज कर लेगा ना, अपने वाटर टाइप पोकेमोन को उसके ऊपर कुछ हावी पड़ने नहीं देगा। अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, अपने सबसे बड़ी वीकनेस को वो ओवरकम कर लेगा। तो और क्या चाहिए, अगर काइगर अपनी पूरी जीत जान लगा ले, मौसम को चेंज वेंज भी कर ले, बट ग्राउडन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बिकॉज ग्राउडन के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, वो ज़रा खतरनाक भी लगता है, ऊपर से वो पानी में भी लावा ला सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि यार प्राइमल फॉर्म में अगर बैटल होगी तो भाई साहब ग्राउडन को हराना मुश्किल ही नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि दोस्तों ग्राउडन पोकेमोन सच में ओसम है। प्राइमल फॉर्म में यार ग्राउडन को काफी गुस्सा आता है, हाँ काइगर भी गुस्सा आता है, बट यार ग्राउडन के गुस्से का कोई मुकाबला ही नहीं है। काइगर को हमने देखा था कि यार वो हमला कर रहा था एनिमे सीरीज में केलोस रीजन में, जहां पे यार काइगर का हमले कुछ भी नहीं कर पाया ग्राउडन को, बट ग्राउडन का अटैक जो है काइगर के ऊपर सुपर डुपर इफेक्टिव था। हमने देखा था कि किस तरीके से एक ही अटैक में काइगर घायल हो गया था। मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू के कारण, और आप सबने देखा होगा केलोस रीजन में जब ग्राउडन वैसे काइगर का मुकाबला हुआ था, भाई साहब दुनिया तबाह होने पर आ गई थी। तो हम कह सकते हैं ये तो बैटल है बेस्ट बैटल एवर इन दिस यूनिवर्स। वाओ मेरी इंग्लिश टॉप क्लास इंग्लिश। तो दोस्तों मैं तो बात कर रहा था काइगर एंड ग्राउडन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट विनर्स है, बट अगर ओवरऑल सुपर पावरफुल मैच में देखे प्राइमल फॉर्म में होंगे, दोनों अपने अपने इलाके में होंगे, तो कौन जीतेगा काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर हम काइगर को पूरी तरीके से वीक नहीं बोल सकते, वो पोकेमोन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट यार ग्राउडन के पास एबिलिटी ऐसी है, तो हम क्या कर सकते हैं आराम से एक सेकंड में आर्सिस जैसी पावर के साथ अपना ग्राउडन जीत जाएगा। आर्सिस की पावर कुछ ज़्यादा नहीं होगी, बट दोस्तों जो भी बात है ग्राउडन नहीं जीतेगा ऐसी मेरी एनालिसिस बोलती है, ऐसा मेरा अनुमान बोलता है, ऐसा मेरा तजुर्बा बोलता है कि ग्राउडन जीतेगा इस अल्टीमेट बैटल शोडाउन को। बिकॉज दोस्तों ग्राउडन इज ओसम, उसके ऊपर अगर यार वाटर टाइप अटैक कुछ काम ही नहीं करेंगे तो कौन होगा विनर यार मुझे बताओ। ये तो टॉपिक है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर फैंस काफी ज्यादा फाइट करते हैं, काइगर बेस्ट है ग्राउडन बेस्ट है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों विनर है, पर प्राइमल फॉर्म में जीतेगा ग्राउडन और नॉर्मल मैच में जीतेगा काइगर, ऐसी मेरी राय है। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, ताकि मैं आपके कमेंट रीड कर सकूं। तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज यार प्लीज 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 दोस्तों पोकेमोन का आंसर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।